लर्नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र लर्नर्स आम आपणकर ओएसएसटीईटी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिते सब आपणकर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जहाँ सब आपणकर पेडागोजी को नहीं क्वेश्चन आसीला ताको आम कवरअप करुचे गोटे क्लास मध्यम में आपंकर 2016 मसीह जहाँ सब आसाला क्वेश्चन 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कसन करी 2018 मसीह आपंकर जहाँ जहाँ आसाला चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कसन करवा तार सल्यूशन करवा एक्सटेनसन भी करवा पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखिए ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिलेट करी तार एक्सटेंशन करी किंबा टिके एलाबोरेट करी क्वेश्चन पचार सो ट्राए करूँ ए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भल से कवर अप करने तो आज क्लास में आहरी 50 क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोड़ा कि आप 2018 ओएसएसटीईट रे आसीला क्वेश्चन नंबर 1 पे देखु हु व्यूड दैट ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विथ ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजेस इन बिहेवियर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशंस पिलेटर डेफिनेशन एत्र मोर किछ आपनको बुझिबार नै एटा आपन पढ़ी के मन रखिबे सो आंसर द ट्राई करंतु ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्रो एंड क्रो क्रो आउ क्रो ए डेफिनेशन टा देथिले से भली हाबरे स्किनर कोन देथिले गेसेल कोन देथिले हरलोक कोन देथिले एकटा भी आपन टिके टिके देखि नेबे ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 2 विच इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट जदि कह विकास विकास रे कोटा अधिक गुरुत्वपूर्ण फिजिकल चेंजेस चेंजेस इन नर्वस सिस्टम किंबा मैच्युरेसन आंसर तो ट्राए करूँ मुझको कही व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन सब कारण रही वृद्धि और विकास को प्रभावित करुच्छे फिजिकल चेंजेस गोटे कारण फिजिकल चेंजेस गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट चेंजेस इन नर्व सिस्टम आम नर्व सिस्टम भी परिवर्तन होची डेवलपमेंट एज वेल एज मैच्युरेशन मैच्युरेशन ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट सो जो तीन टा रहा मैच्युरेशन आम कहे ना एज स्पेसिफिक डेवलपमेंट एज स्पेसिफिक नेचुरल डेवलपमेंट तेणुक ये जो तीन टा रहा ये तीन टा हूँ डेवलपमेंट इंपोर्टेंट पार्ट तेणुक आंसर हम कौन ना ऑल ऑफ द अबव द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 फिले फ्रॉम व्हिच स्टेजेस डज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगिन्स ठीक है स्पेलिंग भूल जाए कि कौ स्टेज रु तार डेवलपमेंटा स्टार्ट होगा क्वेश्चन आम अलरेडी कर 2016 भी यह डिटो क्वेश्चन आसाला फिल्म आपको कही डेवलपमेंट को आज दुटा कैटेगरी करेंगे गोटे प्री नाटाल आ गोटे पोस्ट नाटाल प्री नाटाल कहते प्राक जन्म अवस्था जन्मर पूर्ववर्ती अवस्था गुड़ाक रहा जी समय से मातृगर्भ में रहे भ्रूण संचार ठार् से जन्म होगा पर्यटन जो अवस्था था कहते हैं प्री नाटाल सो तार डेवलपमेंटा प्री नाटाल स्टार्ट होते से मातृगर्भ में तरह भ्रूण संचार हो समय ही आरंभ हो सरुच के ना आट द एंड ऑफ लाइफ जो तार मृत्यु घटू से तार विकासटा डेवलपमेंटा एंड हो तेणुक प्री नाटाल आरंभ होल्ड एज लास्ट एज खत्म हो तेणुक आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3-4 पिले एट व्हाट स्टेज ए चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियाजे पिले ये क्वेश्चन हम अलरेडी करे कि पियाजे अनुसार जो 4 स्टेज से कहते कौन चार स्टेज कहते पिले ना सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल कौ स्टेज पिला लॉजिकली थिंकिंग करें आंसर दे ट्राए करूँ पिले मुझे आपको आगे भल से एक्सटेनसन करेंगे जो आप सबुदिन मन रखा ट्राए करेंगे पिले कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज रहा से लॉजिकल थिंकिंग आरंभ करे क्या जाए ट्रांजिशनल थिंकिंग ठीक है ट्रांजिशनल थिंकिंग से करे ये प्री ऑपरेशनल पीरियड रहा जो प्रकार लॉजिक करे क्या जाए ट्रांसडक्टिव रीजनिंग ट्रांसडक्टिव माने नाइदर इंडक्टिव नॉर डिडक्टिव कौन प्रकार से लॉजिकल रिलेशनशिप काढ़ी पारना तेनालीरु क्या ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कंक्रीट ऑपरेशनल कौन ना से स्टार्टिंग करे इंडक्टिव रीजनिंग करने ठीक अच्छे ट्रांजिटिव रिजनिंग थिंकिंग माइंड में आसपा फॉर्मल ऑपरेशनल से हाइपोथेटिकल रिजनिंग करे एनालिटिकल रिजनिंग करे डिडक्टिव रिजनिंग करे तेणुक मन रखिए कौ कौ स्टेज से कौ भाया रिजनिंग करे तो ये आम आंसर कौन है कि कंक्रीट ऑपरेशनल से लॉजिकल थिंकिंग करवा भल से आरंभ करे क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड और टू कॉल्ड जितेबले से कहते जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट हम कौटू ना पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग माने आम मान पाखु कि आम मान जो पेरेंट्स रही बापा माँ जेजे अजा आई ताकू कि जेनेटिकल गुण जितेबाला आम पाखु ट्रांसफर होमें कौन कह जमीक आम बॉडी रंग हौ हेयर कलर हौ हेयर हौ कि आम विभिन्न प्रकार इंटेलिजेंस हौ गुणावली हौ जो आम बापा माँ आम फोरफादर्स पाखु आसूँ जेनेटिकल तक आम कौन कौचे आम कौचे हेरिडिटी
ठीक है वंशानुगुण के कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हुच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आदर कोटा करेक्ट नो हमको बाछे पड़ो। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ठीक अछि, जोटा को हमें कहे वृद्धि हूँ परिमाणात्मक, आपको हमें मापी पारिबा। डेवलपमेंट क्वांटिफायर, ताको क्वांटिफाय आपण करि पारिबे, ठीक है कि कार 50 केजी जणे आपण क्वांटिफाय करि पाले जण को वृद्धि को कि तार हाइट ला 5 फुट, ताको क्वांटिफाय करि पाले मापी पाले, तेनकर आपको जा क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सिक्वेंस, निश्चित भाव गोटे सिक्वेंस को फॉलो करे, कारण आपड़ देखूँ आप जे डेवलपमेंट केमी हो भावतु जड़े डायरेक्ट स्टार्टिंग करवा कथ कह आरंभ करे कि डाके माँ बाबा एम धीरे 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 से लांगुएज शिखे सेमती से प्रथम पेटेबा बसवा चल दौड़ा ये गोटे सिक्वेन्स को फलो करे ये ठीक अच्छे ना। तेणुक्रे आम कौन ना जो सिक्वेन्स मुझे कही तीन टा प्रकार सिक्वेन्स तरह अच्छी लोकमोशन कथ कही आपली सेफेलो काउडाल प्रोक्सीमो डिस्टाल ठीक अच्छे प्रिंसीपल पढ़े गुटा सब। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। से पचारि हूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आदर कौटा करेक्ट नुहे आमको बाछे पड़ो। तो मुझे जाणी ग्रोथ आउ डेवलपमेंट दीटा केमी पीले क्वालिटेटिव आ क्वांटिटेटिव हो पार आम जानते ग्रोथटा कौन ना क्वांटिटेटिव, ग्रोथ केवे क्वालिटेटिव हो पार ना से बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंटा हो पार क्वांटिटेटिव आ क्वालिटेटिव किंतु ग्रोथटा हो पार ना, तेणुक ऑप्शन डी इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट इज कॉल्ड, जो डेवलपमेंटा जनकर विकासटा मुंड आड़ मुंडरू तल आड़ जाऊँ फुट व गोड़ आड़ जाऊँ को प्रकार विकास कह आपको बहुत भल से बुझे जो प्रिंसिपल्स पढ़ाई जितेबले कहती मुझक टॉप टू बॉटम बा कहते शिरोपद अभिमुखे जो आपर विकासटा होपर मुंडर आग विकास हम धीरे धीरे आप पाद आड़ जो विकासटा क्या जाए सेफालो काउडाल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट बा शिरोपद अभिमुखी विकास बा टॉप टू बॉटम डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पिले, हुज द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड ऑन, बोले कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहा उपरे डिपेंड करे नहीं। एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, इनक्यूजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड, एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड। आंसर दो ट्राई करते पिले कंस्ट्रक्टिविज्म कथ आसा मैंने से एक्सपीरियंस उपरे गुरुत्व दबो, एक्सरसाइज उपरे गुरुत्व दबो, गोटे चाइल्ड उपरे गुरुत्व दबो, कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड उपरे गुरुत्व दबो, इनक्यूजिटिवनेस उपरे गुरुत्व दबो, टीचर आज ए फैसिलिटेटर कहिबो, एक्टिव लर्निंग एक्टिव लर्नर कथा कहिबो, ऑटोनोमस लर्निंग एनवायरमेंट कथा कहिबो, डेमोक्रेटिक व्यूज कथा कहिबो, ठीक है किंतु से केबे कहिबनी एते एनवायरमेंट उपरे से गुरुत्व दबो नाही। एनवायरमेंट उपरे के गुरुत्व दंती ना बिहेवियरिस्टिक माने गुरुत्व दियंती, तेणुक्रे आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि ऑप्शन सी जो कहे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने आते गुरुत्व दियंती नहीं बा डिपेंडेंट नुहे। क्वेश्चन नंबर 9 पिले, पिले क्वेश्चन नंबर 9टा डायरेक्ट आंसर हो ठीक अच्छे, हुई इज नॉट करेक्ट, आदर कौटा आमको करेक्ट नुहे बाछबार था। डेवलपमेंट इज ए लाइफ लंग प्रोसेस, ये आपको कही गोटे ठीक प्रिंसीपल, लाइफ लंग प्रोसेस, नेभर एंडिंग प्रोसेस, आपको भी कहते पिले गोटे निरविच्छिन्न प्रक्रिया, ये हूँ गोटे धारावाहिक प्रक्रिया जोटा कि मातृगर्भर आरंभ हो मृत्यु पर्यटन कंटिन्यूस चलू डेवलपमेंटा, तेनालीराम कहते हैं लाइफ लंग प्रोसेस, नेभर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, डिफरेन्ट ना आप नामित करेंगे। डेवलपमेंट अलवेज टेक्स प्लेस यूनिफर्मली, पहले जो ये डेवलपमेंटा यूनिफर्मली मैंने आप देखो मु गोटे नॉर्मल जिनस ने कही डेवलपमेंटर रेटा के यूनिफर्म हम ना डेवलपमेंटा के यूनिफर्म समस्त सामान प्रकार विकास हो पार ना, कारण तुम विभिन्न प्रकार डायमेनसन अच्छे डेवलपमेंटर कि कार मेन्टाल डेवलपमेंट, इमोशनाल डेवलपमेंट, जितेबाला जनकर स्पीडी फिजिकल डेवलपमेंट है स्लो इमोशनल डेवलपमेंट हो, स्पीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है स्लो फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए कि मोर डेवलपमेंट जहाँ मो भाईर डेवलपमेंट से भाया हम तार कौन ग्यारंटी ना, तेनाली डेवलपमेंटा के गोटे यूनिफर्म रेट बा यूनिफर्मली गति कैर ना, कि पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट हूँ यूनिफर्म, पैटर्न मैंने कौन बिले
ପାଟର୍ନ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ, କି ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗଲେ ଆଡୋଲେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା 12ରୁ ଆମେ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ରିଜୋନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ କି ଗୋଟେ ଏଇମାନେ ଏଇ ପାଟର୍ନକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଟର୍ନ କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଲାଟା ପ୍ରଥମ ପେଟେଇବ, ବସିବ, ତାପରେ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଏଇ ପାଟର୍ନକୁ ସେ ଫଲୋ କରିବ। ଆଗ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ପାଟର୍ନଟା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟର୍ନକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଫଲୋ କରୁଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫଲୋ କରିବେ। ତେଣୁକରି ପାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସେମ୍, ବଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସେମ୍, ଇଟ୍ ଡିଫର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 10 ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହେଁ। ପିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ କହିଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଟା ବନ୍ଦ ହେବନି। ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଓଲ୍ଡ ନଲେଜ୍ ଅଛି ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋଟିଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡୋଲେସନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ଆମର ବୃଦ୍ଧିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇକା ଚାଲେ, ବା ବୃଦ୍ଧିଟା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ହୁଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, କିଏ ଆଧୁରୁ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ ବା କିଏ ତା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହେଁ। ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟେଡ୍ କଥା କହିବ ବା ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟେଡ୍ କଥା କହିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟେଡ୍ କଥା କହିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲା ମାନେ ଇଏ ରିଲେଟେଡ୍। ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କଥା କହିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଟୋନମସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଠିକ୍ ହେଲା, ବା ଅଟୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ କରିପାରିବ, ତେଣୁକରି ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ ମାନେ ଟିଚର୍ ଆସି ପଢ଼େଇବ। ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟେଡ୍ କଥା କହୁଛେ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ପିଲା ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଅଟୋନମସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇବ, ସେଲ୍ଫ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବ, ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ଲି ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ପ୍ଲେ, ହୁଇଚ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମୋଟର୍ ସ୍କିଲ୍। ପିଲେ ଯେଉଁ ମୋଟର୍ ସ୍କିଲ୍ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କରୁଛେ, ଆଦୃ କେଉଁଟା ତା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହେଁ। ପିଲେ ମୋଟର୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଭାବିତ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଇନ୍ ମୋଟର୍ ସ୍କିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର୍ ସ୍କିଲ୍। ଫାଇନ୍ ମୋଟର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ଟିପୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଟର ବଟନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜିପ୍ସ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ମୋଟର୍ ସ୍କିଲ୍, ଠିକ୍ ହେଲା। ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର୍ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, କ୍ରଲିଂ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ନା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଡ୍ରଇଂ କରିବା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସାଇକେଲିଂ କରିବା, ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମୋଟର୍ ସ୍କିଲ୍, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଂଟା ଗୋଟେ ମୋଟର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନୁହେଁ। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ହୁଇଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ଗୋଟେ ପିଲାର ବିକାଶକୁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ବା କେଉଁ କାରଣ ପ୍ରଭାବିତ କରାଏ? ହେରିଡିଟି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେରିଡିଟି ପ୍ରଭାବିତ କରାଏ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରାଏ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବି ପ୍ରଭାବିତ କରାଏ, ସେ ଦେଇଛି ବୋଥ୍ ହେରିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଖାଲି ହେରିଡିଟି, ଏଠି ଖାଲି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଏଠି ଖାଲି ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ଏଠି ଥିଲା ବୋଥ୍ ହେରିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ବୋଥ୍ ହେରିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏକାଥରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ଜିଙ୍ଗ ମୋଟିଭେସନ୍। ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ଜିଙ୍ଗ ମାନେ କହୁଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ OSST କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୟାଲ୍ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡ ବାଇକ୍ଟେ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣ OSST କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 1000 ଲେଖା ଅର୍ପଣ କରିବି। ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି କ'ଣ, ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ରିୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରିଜିକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ବା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, କି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରିଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ସେ ପଚାରିଛି, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଏଇଟା କେଉଁଟା ଆଧୁରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ପ୍ରେଜ୍, ପ୍ରାଇଜ୍, ରେକଗ୍ନେସନ୍, ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଆମକୁ କିଏ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଦେବ, କିଏ ପ୍ରେଜ୍ କରିବ, କିଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ, ତା ବୋଲି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ସେଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ନୁହେଁ।
ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍ ଟୁ ନୋ ଇଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଆଡ୍ମିସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ ଭି ତ୍ରିପୁଲ୍ ଆଇ। ଧର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଫର୍ମେଟିଭ୍, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍, ସମେଟିଭ୍। ଆନ୍ସର୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କାହିଁକି ଆମେ କରୁ, ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁ। ୱେଦର ଦିସ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସିଟ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ସେ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କି ନୁହେଁ ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ତା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିହେଭିଅର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ 8 ପାଇଁ ସେ ଫିଟ୍ କି ନୁହେଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲାସ୍ 8 ସିଟ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏବୁଲ୍, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍, କି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ତ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ତା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିହେଭିଅର୍କୁ ଚେକ୍ କରୁଛେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, ହ୍ୱାଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସୁଡ୍ ଦ ଟିଚର୍ ୟୁଜ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟିଚିଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୋ ଆଜ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଦେୟାର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଆପଣ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ST ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ, ତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଟିଚର୍ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍, କି ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କି ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କି ବହୁତ ବହି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ଆପଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛେ, ମଦର୍ ଟଙ୍ଗ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରି ପଢ଼ାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ପାଠ ପଢ଼ାଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼େ, ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଇଜିଲି ହୋଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ବୁକ୍ ନଲେଜ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, କମ୍ବାଇନ୍ କରି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ଦ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 3 ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ। ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଚାର୍ଟ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଚାର୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଚାର୍ଟରେ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ୱେଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ତାର ଗୋଟିଏ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୱେଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୱେଟେଷ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିବ। ସୋ ଇଏ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଚାର୍ଟ କ'ଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ନା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ମନେ ରଖିବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କେଉଁ କେଉଁଥିରୁ ପଡ଼ିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଏଲା 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଚାର୍ଟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏ ତିନିଟାକୁ ନେଇ। ସୋ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ପ୍ଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆଦୃ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆନ୍ସର୍ ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍, ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ, ମ୍ୟାଚିଂ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍। ପିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଇଥିଲି, ଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପୁରା କଭରାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିନେବେ। ପିଲେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍, ମ୍ୟାଚିଂ ଆଉ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ, ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ହେଉଛି ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଟାଇପ୍ ବା ଆଉ କହନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍, ଠିକ୍ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହେଲା ଆଉ କହନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ ଅର୍ ସପ୍ଲାଏ ଟାଇପ୍ର ଭିତରେ ଆସୁଛି। ସପ୍ଲାଏ ଟାଇପ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାରବିହତ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଆସିବ, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଟାଇପ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତିନି ଭାରବିହତ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ, ମ୍ୟାଚିଂ ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍। ସୋ ଏଇଠି କ'ଣ ନା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସପ୍ଲାଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ପେଡ଼ାଗୋଜି କ'ଣ ବୋଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପେଡ଼ାଗୋଜି ଇଜ୍ ଅ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ବୋଲେ, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟରେ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଟା ପାଏ ନା। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଚାରିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ ନା, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି, ରିଲାଏବିଲିଟି, ୟୁଜାବିଲିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଗୋଟେ ଆମର ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତ ଅପ୍ସନ୍ 4 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ମୋଟିଭ୍ସ, ଆମର ଯେଉଁ ମୋଟିଭ୍ସ ରହିଲା ବା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ, ଆଦୃ କେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସଟା ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହେଁ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
टू एनर्जाइज द बिहेवियर, पिलार बिहेवियर को व्यवहार को आम एनर्जाइज करवा, टू स्टिमुलेट द बिहेवियर ताको स्टिमुलेट करवा, ताको आम कौन कौचे वन टाइप अफ उद्दीपक स्टिमुलेसन जोटा आम कौचे उद्दीपक प्रदान करे, टू आक्टिवेट द बिहेवियर ताको आक्टिवेट करे ताको सक्रिय कराए, टू स्टेबिलाइज द बिहेवियर एटा आम कोटे एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स लागुनी कहार ना मोटिव रो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एटा म आपनको बहुत रिपीटेडली कहलेनी पिले आपन जाने जदि सर डेवलपमेंट होची बोथ क्वालिटेटिव आ क्वांटिटेटिव, एट द डेवलपमेंट नै तो आंसर कोन हबो, तो आंसर हबो ऑप्शन सी, कारण इवैल्यूएशन रे आमे क्वांटिटेटिवली इवैल्यूएट करि परबा, क्वालिटेटिवली मध्ये इवैल्यूएट करि परबा। क्वांटिटेटिव कोन ताको जो नॉर्मली तार आटीट्यूड स्केल जोड़ा रहा अचीवमेंट स्केल जोड़ा रहा ठीक अच्छे एट सब क्वांटिटेटिवली करी जो थे न्यूमेरिकल मुझे आसाइन करी, किंतु क्वालिटेटिवली कौन आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जोड़ा करेंगे सोटा है क्वालिटेटिव फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे सो यह कह बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 23, इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज लिस्ट, कौ भाया क्वेश्चन रे पिले आम गेस बा बहुत सारा गेस कर पारानी जो गेस कर ठीक करदे ना धर मुझे गोटे क्वेश्चन दुटा ऑप्शन जमा थी एस और नो आप गेस करदे कि हाँ यहाँ दुटा ऑप्शन अच्छे यहाँ हम जी बहुत सारा ऑप्शन थी तेल आप गेस करने को आप कष्ट सो ये कौन देखिए देखो तो कंप्लीशन टाइप, कंप्लीशन टाइप आप गेस करने एस और नो रे तो दुटा ऑप्शन मिले आप गेस करने सिंगल सेंटेंस आपको गेस करेंगे कितु जो फोर ऑप्शन मिले आमको गेस करवा टे कष्ट ये बहुत लिस्ट चान्स थाए ठीक है क्या सिमिलर सब जगह थी सब जगह सिमिलर थी आप गेस कौन करेंगे सो ये कौन आंसर हम ऑप्शन फोर इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फोर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन गुड़ाक। 24, व्हिच मेथड इवैल्यूएशन इज इफेक्टिव फॉर असेसमेंट ऑफ बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स पिले मुझे जो पढ़े थी सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से मुझे जो करिकुलर आउ को करिकुलर कथा आसला जिते स्कोलास्टिक आउ को स्कोलास्टिक कथा आसला जिते पाठ्यक्रम आउ सह पाठ्यक्रम को आम मिलित भाव में इवैल्यूएशन करने कथा आसला से आसो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव माने कौन ना इनक्लूडिंग ऑल द डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट सी करिकुलर डायमेंशन हो कि को करिकुलर डायमेंशन गुड़ाक हो सो आंसर कौन हम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड। आपण पढ़ाऊंटे आपणकर लास्ट स्टेप आप पिला क्वेश्चन करले एटा को भाया टाइप ऑफ क्वेश्चन भितर आसपार प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक सबमेटिव फॉर्मेटिव पिले ये हूँ गोटे वन टाइप ऑफ भेग क्वेश्चन टाइप पिला कन्फ्यूज करदे ये भाया क्वेश्चन पचारे आम जानते आट द एंड आम तो कह सबमेटिव ये कुछ गोटे क्लास एंड हम तेल से फॉर्मेटिव तो ये बहुत फॉर्मेटिव और सबमेटिव हो पार कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हम फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट से पचार लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड आप गोटे पीरियड लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग रे गोटे क्वेश्चन पिला पचारे क्वेश्चन कराइले एग्जाम कराइले से प्रकार एग्जाम इवैल्यूएशन कौन आसो ना फॉर्मेटिव भितर मोस्ट अप्रोप्रिएट आसो कि सबमेटिव आसे किसी खराब हो पार ना। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन आदर कोड़ा ऑब्जर्वेशन टूल नुहे चेकलिस्ट आप नोर गोटे जिन स्टैटिस्टिक्स फेनोमेना चेक करती गोटे ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स रेटिंग स्केल अन्य को रेटिंग देते ऑब्जर्वेशन माध्यम ही आपर टीचर भल पढ़ाऊँ कि ना आप ऑब्जर्वेशन कलापर इनको रेटिंग देते एनेक्डोटल रेकॉर्ड का रेकॉर्ड मेंटेन करा थ्रू ऑब्जर्वेशन हो किंतु अचीवमेंट टेस्ट एटा हो गोटे टेस्ट ये गोटे प्रकार ऑब्जर्वेशन नुहे ठीक है तेणुक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हिच द चाइल्ड इज नॉट एक्टिव कोथरे पिलाडा सक्रिय न थाए टीचर्स क्लासरूम डेमोनस्ट्रेसन टीचर क्लासरूम रे शो करेबे होम टास्क डन बाय गिवन बाय द टीचर प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज ऑफ द टेस्ट बुक एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द टेस्ट बुक एंड द वर्क बुक पिले टीचर्स क्लासरूम डेमोनस्ट्रेसन रे टीचर खाली शो करिबो सेथरे पिलार कोनोसी एक्टिव रहिबार आवश्यकता ना पिला कोनोसी एते एक्टिवली पार्टिसिपेशन करे नाही तेंकर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर द टीचर्स क्लासरूम डेमोनस्ट्रेसन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल गोटे पिलार स्टेटस कथा कहुचे सेटा को प्रकार मोटिवेशन भितर आसिबो सेटा कोथि आसिबो ता इंट्रिंसिक मोटिवेशन से चिंता करछि मु जदि भलो से पाठ पढ़ली मो इंटरेस्ट अनुसार ताले मोर स्टेटस ता बढ़िबो स्टेटस ता अन्य का के मते कहुना कि मते स्टेटस बढ़िया पे पढ़ मते यदि के
प्रेज करुची रिवार्ड दौची रिइनफोर्स करुची से गुड़ा आसीबो एक्सट्रिंसिक रे तो इंट्रिंसिक रे मोर स्टेटस मु मो पावर पई पढेबी मु मो इंटरेस्ट पई पढेबी एउटा सब इंट्रिंसिक मोटिवेशन सो ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन 30 ब्लूप्रिंट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर बिकॉज आमे काहे कि ब्लूप्रिंट बनाउचे आंसर तो ट्राए करूँ मुझे कहते थ्री डायमेंशनल चार्ट कौन पाई ना कंटेंट को भलसे सजेबापी डिफरेन्ट टाइप अफ क्वेश्चन को मेनसन करने ऑब्जेक्टिव्स वाइज सजेबापी क्वेश्चन बिकम इजी सिंपल हम डिफरेन्ट टाइप अफ क्वेश्चन फाइंड देयर प्लेसेस मुझे डिफरेन्ट टाइप अफ क्वेश्चन को इनक्लूड करने तो गोटे मेजर ऑब्जेक्टिव तरह कौन कि टाइप अफ क्वेश्चन को भलसे आरेंज कर पार कि सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो जब ऑब्जेक्टिव को भाया कि ऐसे टाइप कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स ठीक है वेटेज डिफरेंट टाइप ऑफ वेटेज हम तक दे परबा सो ऑप्शन 2 होची राइट आंसर और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आद्रु कोटा गोटे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सहित रिलेटेड नुहे आंसर तो ट्राई करथले टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग टीचर टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ लर्निंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन चाइल्ड्स एक्सपीरियंस पहले टीचर गोटे फैसिलिटेटर चाइल्ड हूँ सेंटर ऑफ द लर्निंग चाइल्ड हूँ मेजर आस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन चाइल्ड्स एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटेशन एक्सरसाइज ये सब गोटे गोटे आस्पेक्ट कार ना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से कहते हैं कौटा गोटे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आस्पेक्ट नुहे बा नॉट रिलेटेड जितेबाला शिक्षक श्रेणी गृह क्वेश्चन आंसर मध्यम पिला पाठ पढ़ाऊँ शिक्षक लेक्चर मध्यम पढ़ाऊँ शिक्षक डेमोनस्ट्रेसन करुच्ची शिक्षक डोमिनेट रोल प्ले करुच्ची से टीचर सेंटर्ड रोटे आस्पेक्ट टीचर सेंटर्ड सहित रिलेटेड सो ऑप्शन बी इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 32 प्ले अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड्स इंटेलिजेंस मॉडल which is not included in the mental process adru kouta ta mental process re include nuhe pile gilford ethile kon structure of intelligence cubicard model tinta aspects se kahithile kon kon na operation content outla product e jo operation kahile eta ko ame kouche mental process bitare operation ta include hobo so operation re kon kahithile se ketra aspect katha kahithile na jo aspect katha kahithile tadru ko aspect ta adare nahi se convergent thinking katha kahithile evaluation katha kahithile कॉग्निशन कथा कहते मेमोरी रेकॉर्डिंग आउ मेमोरी रिटेंशन कथा कहते किंतु से सिंथेसिस कथा कही नहांते सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 इन ए मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन द लर्नर जो गोटे सिचुएशन टा मोटिवेटेड अभिप्रेरणीय थी से समय पिलाटा कौन करे बिकम्स इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन पिला जो मोटिवेटेड अच्छी से सियोर क्वेश्चन पचारे को आग्रह प्रकाश कर ये तो गोटे ठीक कथा मेमोरइज द लेसन ये मेमोरइजेसन क्रामिंग हो मन रखा हो कथा से चिंता करे ना प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन हिज मेमोरइजेसन एंड फॉरगेटिंग बिकम्स इक्वाल से भूलिया आ मन रखा सामान होगुड़ाक पिले गोटे गोटे रईट आस्पेक्ट नुहे जितेबाला पिला मोटिवेटेड अच्छी निश्चिंत भाव में तार आग्रह बढ़ पाठ पढ़ापी क्वेश्चन पचारापी सो ऑप्शन इज द राइट आंसर व्हेन डिड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट इन आवर स्टेट केड़शार मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट है पिले 2007 और 2008 मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ही स्टार्ट जो समय गोटे भल कन्फरेन्स मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को आधार कर तो आप मन रखिए 2007 और 2008 मसीह मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मूलदुआ फाउंडेशन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 35 हु डिफाइंड सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल सेटिंग पिले गोटे डेफिनेशन आप मन रखिए एथेर मत किसी बुझेबार ना तो ये आप आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ए बी हरलक क्वेश्चन नंबर 36 एट व्हाट स्टेज द चाइल्ड एंटर्स द पीक ऑफ गैंग एज गैंग मान जो दलगत करके गोष्ठी करके जो खेल दल दल बुलवा जोटा कहे तो कौ स्टेज रे से पीक रे पहुंचे सब अधिक गैंग करके से खेले आंसर तो ट्राए करें पिले आपको पढ़े जो डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस पढ़े से कही कि गोटे पिला जो चाइल्डहुड स्टेज रे थाए ठीक है चाइल्डहुड स्टेज दुईटा स्टेज अच्छी तार गोटे आद्य बाल्यवस्था आम कहे बाहे प्री चाइल्डहुड जोटा कहीपर आपड़ कहीपरें इयरली चाइल्डहुड
आ गोटे लैटर चाइल्डहुड। जो इयरली चाइल्डहुड तो आम कहे इयरली चाइल्डहुड आद्य बाल्यवस्था प्राथमिक बाल्यवस्था कई कई कहती तार बयस है 2-6 यहाँ कहुए प्री गैंग एज। किंतु जो से 6 वर्ष 7 वर्ष 12-13 वर्ष भितर बयस को कह जाए गैंग एज। से जो गैंग गैंग कर बुलवा स्टार्ट कै तेणुक आपंकर अप्सन कौन अच्छी ना 11-12 वर्ष जो रहा तो आम कह गैंग दल दल कर खेल पिक रे पहुँचे सो अपसन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 हु इज द फाउंडर फंक्शनालिज्म। जो फंक्शनालिज्म फाउंडर किए ना विलियम जेम्स हो कौन ना फंक्शनालिज्म फाउंडर से बढ़िया भाव में जेबी वाटसन होती बिहेवियरिज्म फादर सिगमंड फ्रॉयड आपणकर साइको एनालिसिस फादर आउ जॉन ड्यू छाड़ू से आपणकर बहुत भल भल थ्योरीज देती आपणकर प्रैग्मैटिस्ट थ्योरी उपर बहुत भल आइडियाज देती करिकुलम डेवलपमेंट उपर बहुत सारा 7 भाग प्रिंसिपल्स सो ये कौन ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट गिवेन बाय और फ्यूड बाय कोलबर्ग कम्स अंडर। पे जो कन्वेंशनल लेवल पे आप मोरल डेवलपमेंट क्या चिंता करते कोलबर्ग आपको पढ़ाई से कौन कहे तीन टा लेवल कहले गोटे प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल आ पोस्ट कन्वेंशनल। से जो कन्वेंशनल रहा से जो स्टेजेस कहते कौ कौ स्टेज आसला पे कन्वेंशनल दुईटा प्री कन्वेंशनल दुईटा आसे स्टेज 1 आउ स्टेज 2 कन्वेंशनल दुईटा आसे स्टेज 3 आउ स्टेज 4 आउ पोस्ट कन्वेंशनल दुईटा आसे गोटे कौन स्टेप 5 आउ स्टेप 6 से पचार कन्वेंशनल कन्वेंशनल मिडिलटा 3 आउ 4 सब्सन कौन अप्सन बी इज द रईट आनसर 3 आउ 4 स्टेज। इंटेलीजेन्स इज ए जेनराल कैपासीटी अफ एन इंडिविजुआल कन्सीयसली टू आडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू सिचुएसन हू हाड गिभेन दिस डेफिनेसन। ये डेफिनेसनटा किए देते पे ये डेफिनेसन एत किसी बुझेबार ना आप मन रखिए से डेफिनेस थे स्टर्न पिले ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 40 हू वाज द प्रोपाउंडर ऑफ अ ग्रुप फैक्टर और आनार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ग्रुप फैक्टर थ्योरी पे किए देते आनार्चिक थ्योरी कहुए आंसर तक ट्राए करते पे थ्रस्टन थ्योरी कहुए ग्रुप फैक्टर थ्योरी गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस स्पीयरमैन का ट्रू फैक्टर बा टू फैक्टर थ्योरी ठीक है टू फैक्टर ट्रू फैक्टर नुह। सो ये कौन थ्रस्टन का प्राइमरी इंटेलिजेंस थ्योरी एनआरसी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ग्रू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 41 आल्फ्रेड बिनेट बिलंग्स टू हिज कंट्री पे ये गोटे क्वेश्चन ये गोटे क्वेश्चन भी नुह फ्रांस रु ठीक है कारण फ्रांस गवर्नमेंट जो अर्डर देते कि गोटे स्कूल वास्तव में पिलामानकर लेवलटा को काढ़ापी से ही समय से इंटेलिजेंस उपर स्टार्टिंग कले इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करेंगे तेणुक से प्रथम मेंटल एज केमी बिनेट साइमन टेस्ट से गोटे बहुत लॉन्ग जर्नी ठीक अच्छे पिले। क्वेश्चन नंबर 42 नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड द मेंटल एज। प्रथम किए मेंटल एज उपर आईडिया दे पिले मुझे ही कहती कि जो बिनेट फ्रांस गवर्नमेंट को ऑर्डर जो इनिशिएशन स्टार्ट करले से प्रथम ही मेंटल एज उपरे कहते तेणुकर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट डज इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू रो कमे कहे इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ ए चाइल्ड सिग्निफाइड गोटे पिलार आईक्यूटा कौन सिग्निफाई करुच्छे मुझे आपको कही पे आंसर प्रथम आप ट्राए करते पज करके पे आईक्यू रोटे फर्मुला से मन रखिए आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 ठीक अच्छे। सो जो भी आपड़ा देख देखते यहाँ ऑप्शन डी मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक व्हिच एजुकेशनिस्ट सजेस्टेड दिस स्टेटमेंट। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे डेफिनेशन पिले आपणकर हॉल जी रहा जीएच हॉल से पिले कहते कि एडोलेसेंस हूँ गोटे झड़ तोफान समय ठीक है ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम तो ये भले से मन रखिए तो आपंकर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 सोशल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंक्लूड जो सामाजिक परिवर्तन आम एडोलेसेंस पीरियड में कैसर अवस्था घटे कैसर अवस्था के कहते पे कि जो 12 किंवा 13 स्टार्ट ही यहाँ आम कंटिन्यू चलुच्छे 19 किंवा 20 वर्ष बयस आ भितर जो पिला आसे से कैसर अवस्था आसे से समय जो सामाजिक परिवर्तन आसे से कौ भाया कौ जिन इनक्लूड करुच्छे एडल्ट लाइक बिहेवियर करवा इमाजिनेसन रिस्टलेसनेस कि फियर एंड सेम पे पर्टिकुलरली मोस्टली आसे से समय आडल्ट बिहेवियर से व्यवहार करेंगे जैसे से पौढ़ अवस्था अच्छा जौवन अवस्था से भाया व्यवहार करेंगे ठीक है से हीरो वर्शिप देखेबे
पूरा हिरो भाया व्यवहार करेंगे समाज केन्द्रिक हे व्यक्ति केन्द्रिक ठार दूरे जाए तेणुक ये कौन हम ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46 हु डिफाइंड लर्निंग टू बी ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस कि आम एक्सपीरियंस मध्यम व्यवहार परिवर्तन ये किए कहते पेटर डेफिनेशन आप मन रखिए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्रॉनबेच. क्वेश्चन नंबर 47 द डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट टू रियलाइज वन्स ओन पोटेंशियलिटीज कम्स अंडर जो आम गोटे डिजायर हो गए आशा उत्पन्न होच्छा आम हो कि आम निजर सेल्फ फुलफिलमेंट क्या चिंता करुचे निजर कमी परिपूर्ण हो पार रियलाइजेशन आम कही पार्चे मोर कौन पोटेनसीज अच्छी मोर क्वाज कौन आबिलिटी कौन से मुझे जापी से स्टेजटा को आम कौन कहे फिजियोलोजिकल नीड्स सेफ्टी नीड्स सेल्फ एस्टीम कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मास्लो आपर हेराकी नीड्स कही ये से पचार यहाँ हाइएस्ट लेवल जो आप निज क्या जापरेंगे निजर पोटेनसीज जापरेंगे सीटा कौन ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखो क्वेश्चन को कमी आपको ओल्टे पोल्टे पचारूँ पूर्व 2016 पचारा आपको कि जो मास्लो हेराकी अफ नीड्स अच्छी टप पोजिशन किए अच्छी से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एटी पचारूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीनिंगटा पचारा कि आपंकर जो गोटे डिजायर आस सेल्फ फुलफिलमेंट निज पोटेनसीयल को जानापी आम कौन कह ठीक अच्छे सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48 टीचर्स नोट्स एंड स्माइल्स कम्स अंडर आप पढ़ेला बेले गोटे क्वेश्चन आप टीचर पचारे आप आंसर दे टीचर मुंड हल्ले मुंड डाउन कले उपरू कले तलू कले आसिले यहाँ कौ प्रकार कार्यटे पॉजिटिव एंड नॉन वर्बल रीइन्फोर्समेंट पॉजिटिव वर्बल रीइन्फोर्समेंट नेगेटिव वर्बल रीइन्फोर्समेंट नेगेटिव नॉन वर्बल रीइन्फोर्समेंट पिले टीचर आपको स्माइल कले आपको गोटे आंसर दे जहाँ भी हो आपको एस कि नो कहले यहाँ हूँ गोटे वन टाइप अफ पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट जेहतु से कथा कहले मुंड मध्यम कले ये नॉन वर्बल से कले तेणुक ऑप्शन इज द राइट आंसर पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइन्फोर्समेंट. क्वेश्चन नंबर 49 द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए न्यू फैक्ट फ्रम ए गिवन फैक्ट इज नोन आज आपर गोटे गोटे फैक्ट आपको दि जाइए आप गए नुआ फैक्ट सहित तार रिलेसन काढ़ीपारे सोटा केमी मध्यम ना आनालोजी मध्यम सो ये अप्सन कौन अच्छे देखो ना अप्सन सी इज द रईट आनसर ना आनालोग आनालोजी मध्यम ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50 इफ ए टेस्ट गिवस द सेम रिजल्ट व्हेन एवर इट इज रिपीटेड इट इज कॉल्ड जी आप गोटे टेस्ट को बारंबार बारंबार कर सेम रिजल्ट दौर आज आप कले पांच दिन पर पुणी कले सेम रिजल्ट देला पुणी पांच दिन पर सेम रिजल्ट तो कौन कह तो कमें रिलायबिलिटी कह रिलायबिलिटी मैंने कौन कहे रिपीटेबिलिटी अफ रिजल्ट डिपेंडेंसी अफ रिजल्ट कि सेम रिजल्ट कनसीस्टेंटली कनसीस्टेंसी अफ रिजल्ट तो भी कह वैलिडिटी कौन ना ट्रुथफुलनेस अफ रिजल्ट कि आम आपंकर जहाँ पर्पज थी से रिजल्ट आसूरी आपंकर जहाँ इंटेनसन थी जब से रिजल्ट आस कह वैलिडिटी आ यूजेबिलिटी कौन कि टाइम हो कि पैसा हो से अनुसार आपड़ा यूज कर पार्थे अप्लाई कर पार्थे से टेस्टा को ठीक है इंटरप्रिटेशन सहजे करेंगे कंडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन सहज कर पार्थे तो आम कह यूजेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी मैंने फ्यूचर ओरिएंटेड तेणुक आपत मन रखु गोटे गुड टेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स भितर वैलिडिटी यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी आउट है ऑब्जेक्टिविटी ठीक है. तो ये आप आंसर कौन ना रिलायबिलिटी ये आंसर कौन से पचार सेम रिजल्ट जो रिपीटेडली आस बारंबार आसे तो आम कौन कह ठीक अच्छे पे भले से प्रिपेरेसन हूँ काली आपंकर आज जहाँ रिमेनिंग रहा ट्राए कर अपलोड करदे तो आप क्वेश्चन गुड़ाक भल से एक्सटेनसीवली प्रिपेरेसन हूँ जहाँ थ्रो में आपको रिलेट कर जहाँ भी क्वेश्चन पचार निश्चिंत भाव में बहुत सारा क्वेश्चन आसो आपन भलसे करेंगे ठीक अच्छे. अगेन ऑल द बेस्ट प्रिपेयर वेल.